एक बार फिर उत्तराखंड और सरकार के लिए मददगार बन रहा है। इस बार हंस फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 2197 विद्यालयों के 2,00,000 स्कूली बच्चों के मिड डे मील, भोजन के लिए थाली और गिलास दिए गए हैं, ताकि बच्चों को अपने स्कूल बैग में किताब की जगह थाली और गिलास ना लाने पड़े। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के लिए थाली गिलास स्कूली बच्चों को देकर योजना का उद्घाटन कर दिया है। योजना के शुभारंभ के मौके पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, शिक्षा निदेशक के साथ तमाम शिक्षक और बच्चे मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंस फाउंडेशन और भोले जी महाराजा माता मंगला जी का आभार जताते हुए कहा है कि आज उत्तराखंड की सेवा में हंस फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रहा है, क्योंकि आप स्थानीय विधायक भी हैं। उत्तराखंड में हमारे जो पोषण की समस्या थी अच्छे बच्चों के लिए अपने छोटे छोटे स्कूलों में, तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और अरविंद पांडे जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने एक मिड डे मील की जो व्यवस्था योजना शुरू करी थी, उसमें हम लोगों ने 7 मिड डे मील की जो शुरुआत करी है। लेकिन मिड डे मील अच्छा होने के बावजूद अगर हमारे पास बर्तन अच्छे नहीं होंगे, शुद्ध भोजन शुद्ध प्लेटों में नहीं जाएगा, तो उस भोजन में कमी आ सकती है। अगर भोजन शुद्ध मिलेगा, भोजन के पात्र शुद्ध होंगे, तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना है उसको पूरा किया जा सकता है। और उसमें उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है, 2,00,000 बच्चों को बच्चों को स्टील के बर्तन दिए जा रहे हैं।